अरब में युद्ध की आग बहुत भयानक हो गई है। ईरानी प्रॉक्सी अचानक आक्रामक हो गए हैं और लाल सागर से लेकर इजरायली धरती तक मिसाइल और रॉकेट हमले कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी को रूस ने हथियार सप्लाई कर दिए हैं और इसी के बाद वो इतना विध्वंसकारी हो गया है कि अमेरिकी युद्धपोत को भी टारगेट कर दिया गया है। एक जोरदार धमाका हुआ और इस तरह लाल सागर में अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। यह पहली बार है जब लाल सागर में हूती ने अमेरिकी युद्धपोत पर डायरेक्ट हमला किया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस मेजन लाल सागर में गश्त पर था, तभी हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। मिसाइल ने अमेरिकी युद्धपोत को डायरेक्ट हिट किया। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका होती के इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। होती का दावा है कि विस्फोट की वजह से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद होती के प्रवक्ता याह्या सारी ने बयान जारी कर कहा, हमने लाल सागर में हमले की रणनीति बदल दी है। अब हम अमेरिका को किसी तरह की वार्निंग नहीं देंगे। अमेरिकी वॉरशिप पर इसी तरह डायरेक्ट हमला करेंगे। जिस वक्त हूती ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया, उसी वक्त एक और जहाज को भी तबाह कर दिया। लाल सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी में भी हूती ने मिसाइल विस्फोट किया। हूती ने अदन की खाड़ी में दो कंटेनर शिप पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती का यह हमला भी सफल रहा। हूती के साथ साथ ईरान के दूसरे प्रॉक्सी भी विध्वंसक हो गए। हूती ने लाल सागर में अमेरिका को जख्म दिया तो हिजबुल्ला ने इसराइल को दहला दिया। हिजबुल्ला ने इसराइल के एयरबेस पर एक के बाद एक कई रॉकेट की बरसात की। हिजबुल्ला का दावा है कि हमले में इसराइल के कई लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल ने भी हिजबुल्ला के हमले की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्ला ने इसराइली एयरबेस को दहलाया तो आईडीएफ ने लेबनान के अंदर विध्वंसक हवाई हमले किए। इसराइली एयरफोर्स ने लेबनान के मिरान में हिजबुल्ला की उस रॉकेट लॉन्च साइट को तहस नहस कर दिया जहां से हिजबुल्ला इसराइली सैन्य बेस पर हमले कर रहा था। उधर इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसराइल पर सीरिया की तरफ से धावा बोला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने शेबा इलाके में मौजूद इसराइल के रडार स्टेशन को जला दिया। सवाल यही है कि आखिर अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतने आक्रामक और मजबूत क्यों हो गए? क्या ईरानी प्रॉक्सी को रूस का सपोर्ट मिल गया है? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि ईरानी प्रॉक्सी को पुतिन की शह प्राप्त हो गई है। आशंका है कि पांचवी बार रूस का राष्ट्रपति बनने के साथ ही पुतिन ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पुतिन अमेरिका और इसराइल को कमजोर करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ने सीक्रेट तरीके से ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी अब इन्हीं हथियारों से इसराइल और अमेरिका को जख्म दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इसी के साथ ही सुपर प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष।